नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। इस वक्त की सबसे ज्यादा दुख भरी खबर सिद्धार्थ शुक्ला को लेकर आई है। सब जानते हैं कि सिद्धार्थ शुक्ला किस तरह से सबको इंस्पायर किया करते थे और वो हमारे बीच नहीं है। उनकी जो करोड़ों फैन फॉलोअर्स थे वो सब अब काफी सदमे में है। 40 की उम्र में सबसे फिट, सबसे हैंडसम, सबसे ज्यादा चार्मिंग और इंस्पायरिंग एक्टर सिद्धार्थ का हार्ट अटैक बीते शाम को हुआ और सोने से पहले उन्हें हार्ट अटैक आया या सोने के बाद उन्हें हार्ट अटैक आया ये समझ भी नहीं पाया परिवार। अपनी माँ और बहन के साथ घर पर रहते थे मुंबई में ही सिद्धार्थ शुक्ला। ऐसे में सिद्धार्थ शुक्ला की माँ को लेकर जो कुछ खुलासे हुए हैं वो हम आपको बताएंगे। इस वक्त माँ की क्या हालत है, माँ किस परिस्थिति में है, माँ ने पहले भी कितने पीड़ा सहे, पति को होने के बाद बेटा ही उनका आखिरी सहारा था, घर के इकलौते चिराग को खो देने के बाद क्या हाल होगा माँ का, सिद्धार्थ की माँ के बारे में जानते हैं खास रिपोर्ट। जैसा कि आप जानते ही हैं, सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में हम यहाँ आप सभी के बीच बात करने वाले हैं और यहाँ पर हम आपको जानकारी देना चाहेंगे सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में कि कैसे सिद्धार्थ शुक्ला हमारे बीच से चले गए। अब उनके परिवार में उनकी माँ की जो स्थिति है इस बारे में बात करना चाहेंगे। सिद्धार्थ शुक्ला की माँ कितना दर्द में है, कितना पीड़ा में है, यह आपको बताना चाहेंगे क्योंकि सिद्धार्थ की अपने परिवार में उनकी माँ और उनकी बहन ही थी। अब यहाँ हम आपको रीता शुक्ला, सिद्धार्थ शुक्ला की उस माँ के बारे में बताएंगे जो अपने बेटे को अपने कलेजे का टुकड़ा मानती थी। सिद्धार्थ को जब अवार्ड मिला था बिग बॉस का, वो सबसे पहले अपनी माँ पर प्यार लुटाते नजर आए थे, अपनी माँ के पास चले आए थे। वैसे तो अपनी माँ के साथ ही सिद्धार्थ शुक्ला रहते थे, माँ के साथ वो इमोशनल मोमेंट अक्सर शेयर किया करते थे। सिद्धार्थ ने अपनी माँ के लिए एक पोस्ट भी शेयर किया था ट्विटर पर और लिखा था कि वो उनकी ज़िंदगी है, वो दुनिया है उनकी। सिद्धार्थ अपनी माँ से बहुत प्यार करते थे। सिद्धार्थ के जाने के बाद माँ बिल्कुल बेसुध पड़ी है। कहा जा रहा है कि माँ कैसे खुद पर यकीन करे कि उनका बेटा उनसे दूर चला गया है। वो खुद पर यकीन नहीं कर पा रही हैं कि वो इतनी बदनसीब नसीब हो गई है। अपने बेटे को अपने सामने खोकर वो इतना दर्द में है जिसे शब्दों से नहीं बयां किया जा सकता है। नेक्स्ट नाइन न्यूज रूम से तृप्ति की रिपोर्ट। तो जाना आपने, ये सिद्धार्थ की वो माँ है जो इस वक्त सबसे बदनसीब माँ बन चुकी है। वो बदनसीब माँ जो अपनी संतान को अपनी आंखों के सामने हमेशा के लिए जाते हुए देख कुछ भी नहीं कर पाई। ये बदनसीबी, ये डरावनी सच्चाई उनकी जिंदगी की है जो कि पूरे देश भर को सदमे में डाल चुकी है। सिद्धार्थ की माँ की हालत ऐसी होगी, शब्दों से इसे बयां करना तो नामुमकिन है। उनके दर्द को कम भी नहीं किया जा सकता है क्योंकि एक माँ के लिए उसका संतान सब कुछ है। अपने संतान की सेहत के लिए दिन रात एक माँ दुआ करती है, लेकिन वो संतान चला जाए तो वो पीड़ा अत्यंत पीड़ा है, इसका कोई अंत नहीं है। फिलहाल लेंगे इजाजत, देखते रहे नेक्स्ट नाइन न्यूज। नमस्कार।